ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नए साल पर लोगों को संदेश उन्होंने दिया और इसमें सुनक ने लोगों को चेताया है कि ब्रिटेन की मुसीबतें 2023 में ख़त्म नहीं होने वाली हैं, बल्कि 2023 आने वाले 2012 में मुश्किलें 12 महीने जो हैं वो काफ़ी मुश्किल में गुजरने वाले हैं। सुनक ने कहा कि मैं ब्रिटेन के लोगों की बेहतरी के लिए बिना रुके काम करूंगा, लेकिन मैं ये दावे नहीं कर सकता कि सारी समस्याएं नए साल में ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि 2023 हमें मौका देगा कि हम ब्रिटेन की बेहतर चीज़ों को दुनिया के सामने ला सकें। उन्होंने कहा है कि जब भी हमारा लोकतंत्र और हमारी आज़ादी खतरे में पड़ेगी तो हम उसे बचाएंगे। वहीं ऋषि सुनक ने नए साल के मैसेज में रूस को कोसते हुए कहा है कि जैसे ही दुनिया कोरोना महामारी के असर से निकल रही थी, उसी समय रूस ने यूक्रेन में घुसपैठ कर जंग शुरू कर दी, जिसका पूरी दुनिया के साथ ब्रिटेन की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ा। सरकार जंग की वजह से आई आर्थिक मंदी को काबू करने की कोशिश कर रही है। The new year, I want to take a moment to reflect. 2022 was tough, just as we recovered from an unprecedented global pandemic. Russia launched a barbaric and illegal invasion across Ukraine. This has had a profound economic impact around the world, which the UK is not immune to. Now, I know many of you have felt that impact at home. That's why this government has taken difficult but fair decisions to get borrowing and debt under control.